कहते हैं हनुमान जी, कहो मैं किस प्रकार से प्राण को रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देख करके छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। तो जनक सुत ही समुझाई करी, अब बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहिकीन। तब हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज देते हैं और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास चल देते हैं। तो चलत महाधुनी गर जैसी भारी, गर्भ वही सुनी निश्चर नारी, अनाघि सिंधु यही पार ही आवा, असबद किली किला कपिन सुनावा। चलते समय फिर गर्जना करते हैं और जो राक्षसों की नारियां हैं उनका गर्भ गिर जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ सुनो, यहाँ बड़ा विशेष व्यवस्था बा। रावण गर्जना करता है तो देवताओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हनुमान जी गर्जना करते हैं तो राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, और परशुराम जी का जब संकार होता है तो राजाओं की स्त्रियों के गर्भ। तो इसमें सब भयंकर भयंकर है, कोई कम नहीं बा। हाँ जी, तब जो है समुद्र को लांघ करके हनुमान जी आ जाते हैं। तो बानर लोग देखते हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं तो जो है कि हर्ष ध्वनि सुनाते हैं, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, ऐसा करके। तो हर से सब बिलो की हनुमाना, अनूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्ने श्री राम चंद्र कर काजा। तब हनुमान जी को देख करके सब हर्षित हो गए और सब तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा, ठीक ना, ये नया जन्म हो भाई। हाँ, तो हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं, यानी माता सीता जी का पता लग गया है। तो मिले सकल अति भये सुखारी, अतलफत मीन पाव जिमी बारी, चले हरस रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तो सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते करते हुए रघुनाथ जी के पास चले, अभी चले हैं, अब तुरंत थोड़ा पहुंच गई है, अभी चले हैं। जब पहुंचे न तो वहाँ जो है किष्किंधा के पास में जो है मधुबन, बड़ा बढ़िया बगीचा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो सब लोग आते हैं थके हुए हैं तो आते हैं तो वही मधुबन में जा करके खूब फल वल खाते हैं, और जब रखवारे मना करते हैं तो अंगद जी मुष्टिका दे करके मारते हैं, सब भागते हैं। तो जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, असुन सुग्रीव हरस कपी, क
करियाए प्रभु का। तो सब जाकर के सुग्रीव से बताते हैं कि अंगद जी जो है खूब फल खा रहे हैं और वन को उजाड़ रहे हैं। तो यह सुन करके सुग्रीव को खुशी होती है। वो जानते हैं कि अगर काम न हुआ होता तो ये जो है इतने खुशी होकर के वन में फल न खाते हैं। फल खा रहे हैं इसका मतलब भगवान का कार्य करके आ गए। तो जौन होती सीता सुधी पाई मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा। मन में सुग्रीव जी विचार करते हैं कि यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वह मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित बानर लोग आ गए। तो आई सबनी नावा पद सीता, आई सबनी नावा पद सीता, अमिले सबनी अति प्रेम कपीसा। सब लोग आकर के सुग्रीव के चरणों में अपना सर झुकाते हैं और कपिराज सुग्रीव जी सबसे बड़े प्रेम के साथ मिले। तो पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भाका जुबी सेखी। और सुग्रीव जी कुशल पूछते हैं तो बानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ यानी कार्य में विशेष सफलता हुई है। और कहते हैं कि नाथ काजू किन्ने हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। कहते हैं नाथ यह काम हनुमान जी किए हैं और हम सभी बानरों का प्राण इन्होंने बचाया, नहीं तो तू मार देते ना कह रहे कि बिना पता लगाए इसे तो मार दे। तो सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिले कपिन सहित रघुपति पही गहे। सुनी सुग्रीव बहुरी ते ही मिले कपिन सहित रघुपति पही चले। दरअसल अलग अलग ने संस्करण में कहीं गहेऊ कहीं चेलेऊ ऐसे वो थोड़ा चेंज है, तो इसमें जो है ठीक है। तो जब सुने सुग्रीव जी कि यह काम हनुमान जी किए तो उनसे फिर से मिलते हैं, है ना। जब कोई ऐसे तो सबके साथ फॉर्मेलिटी करा लें, अब जब पता चला कि हनुमान जी यह काम करे हैं नहीं तो उसे फिर मिले। हाँ तहूं मिले मन से मिल जाए यार मजा बा। तो राम कपिनी जब आवत देखा कि ये काजू मने हरस भी सेखा। और फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरण जाई। तब श्री राम जी ने जब देखते हैं जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखते हैं तब उनके मन में विशेष हर्ष होता है। अगर नर लीला कर रहे तो हर्ष और विशाल दोनों होना, लेकिन अगर संत लीला कर रहे हैं तो हर्ष और विषाद का जगह थोड़ा गहरी बात बा। इसमें हर्ष और दुख होने का जरूरत, लेकिन नर लीला कर रहे हैं तो ये थोड़ा हो कि बिटिया का विदाई होता तो हंस दे, ये नियम नहीं है। एक समझो ठीक। तो दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे थे और सब बानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े माने प्रणाम करते हैं। तो प्रीति सहित सब भेटे और रघुपति करुणा पूंज।
पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकन। आप लोग ये बाड़ी के बड़ा अच्छा से समझो भा, ये बहुत रहस्य के बाड़ी बा। तब दया के राशि, दया के राशि, राशि मतलब समझत है नहीं भाई, समझल नहीं तब कहला समझी ला। ध्यान दे, जैसे ट्रेन चला ला तो पटरी बने, पटरिया पर ट्रेन चली ने, तो दया अगर ट्रेन है तो राम जी ओकर पटरी है, राशि माने हाँ जेकरे ऊपर सब बा, तो जे राम जी का सेवक बने उहे दया कर सकला, दूसर कोई लोभी का दया करी, लोभी तो अपने लोभ के बात करी ने, तो कह रहे कि दया की राशि श्री राम जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर के मिले और कुशल पूछते हैं। तो इसमें रहस्य क्या है, बानर लोग कहते हैं कि हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से ही कुशल है। यहाँ जो लोग कुशल है समाज में और हालचाल बतावे का हो, कुशल मंगल, तो यहाँ कुशल नहीं हो, प्रभु का भक्ति प्राप्त हो जाए तब कुशल हो, अगर भक्ति नहीं प्राप्त हुआ तो कुशल मंगल कहाँ, झूठे झूठे के कहा हालचाल हो ठीक हो, न तो हालचाल पूछे वाला ठीक हो न तो बतावे वाला ठीक हो। तो प्रभु के चरणों का दर्शन या तो प्रभु की अविरल भक्ति मिल जाए तब तो कुशल है, नहीं तो कुशल उशल कुछ यही है। तो जामवंती कह सुन रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दया। जब दया के राशिया है तो नहीं तो दया करिए ने, तो जामवंत जी कहते हैं कि हे श्री राम जी सुने, जिस पर आप दया करते हैं, जिस पर आप दया करते हैं ताही सदा शुभ कुशल निरंतर असुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। राम जी जिस पर दया करते हैं वह हमेशा निरंतर कुशल मंगल में है, ठीक ना, माने वही परमात्मा जिस पर दया करते हैं वही हमेशा कुशल मंगल रह सकता है। देवता मनुष्य और मुनि सब सब लोग उस पर प्रसन्न रहते जिस पर राम जी की कृपा होती है, वो है ना, हाँ, राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लही विश्राम। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक सपने में भी हाँ विश्राम माने शांति। एक विश्राम भाई है ना आपके गांव में, पिताजी बोलल करे ठीक, तो उन्होंने वह बताए रहे देखा भवा सपना में भी उस चिंता लगल वाला न काल का करे के बा, सोचते सोचत लोग सूझ जा लेन, तो में बा बिनु विश्वास भगति नहीं अते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपने हु जीवन लही विश्राम। उन्हें कह देखो तुहार नाम रामायण में हो लिखोल, लेकिन का हो बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो, और जब तक भक्ति न हो तब तक भगवान कृपा, और जब तक कौन कृपा न करिए तब तक सपने में भी विश्राम नहीं बा, ये एकदम पक्का पक्का सीढ़ी बा। तो अहंकार का त्याग करे के पड़ी नाथ, तब आपका जो है कि परमात्मा आपके ऊपर खुश, अहंकारी के ऊपर नहीं होते, जे मन बाड़ी कर्म से उनकर सेवक बा जिके आप लोग बंदा कहल है, ठीक न, तो वही के ऊपर सेवा करिए ने, जे अहंकार लेके उछड़ा था किसे दया हुई बतावे, ठीक।
तो ये देखिए जामवंत जी कह रहे हैं कि वही निरंतर कुशल है जिस पर आप दया करते, माने उसी का कल्याण है, वही कुशल है जिस पर आप दया करते। तो दया तो को सबके पावे को, तो भगवान के भक्ति करो और नहीं अहंकार के लेकर के अचार डाले को तो डाले रहो भाई। यहाँ सब खुला खुला व्यवस्था बा। तो कहते हैं कि सोई विजयी बिनई गुण सागर तासु सुजसु त्रय लोक उजागर। और कहते हैं कि वही विजयी है, वास्तव में उसी का विजय हुआ और वही विनम्र हो सकता है। कौन? जिस पर आपकी कृपा हो, वही सब गुणों का समुद्र बन जाएगा, सभी गुणों का समुद्र बन जाएगा और उसी का मात्र सुंदर यश तीनों त्रिलोक में छाया रहेगा जिस पर आपकी कृपा। तो यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सुंदर यश प्राप्त करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, तो भगवान का भक्ति ही एक मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है नाथ। तो देखिए यह बात, जब सेवक बन के सेवा करेंगे तब तो सच्चा कार्य करिए, मतलब किए। अगर बिना सेवक बन के खाली हम और हमार बदे करत करत के मर जाए तो कोनो मतलब, क्योंकि यह बाड़ी ये लोग बोल रहे हैं जो सेवक लोग हैं, आप लोग इस बाड़ी को बहुत सुने होंगे कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू अजन्म हमारे सुफल भाजू। टेक ले लें जो रामचित मानस चलाला। तो प्रभु के कृपा भयउ सब काजू, आप लोग जब सच्चा सेवक बन के एक गिलास पानी भी कोई के दे दी है तब समझ लो पूरा काम हो गया। और बिना सेवक बने अभिमान अहंकार लोभ ममता मोह एकरे बीच में फंसा बाय तो कोनो मतलब नहीं बा। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु आज हमारा जन्म सफल हो गया। और कहते हैं कि नाथ पवन सुत किन्ही जो करनी सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। कहते हैं स्वामी पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं हो सकता है। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कार्य को श्री राम जी को सुनाते हैं। तो सुनत कृपा निधि मन अति भाए अपुनी हनुमान हरस ही लाए। तो भगवान के काम करवे तब न तुके हृदय से लगी है बात। देखे शिव कुमार भा सच्चा सच्चा बा, भगवान का सेवक बन के कार्य करवे तो भगवान तुके हृदय से लगी है और मेरारू का काम करवे तो मेरारू हृदय से लगी है। अब तुके सबके निर्णय लेवे के बा कि केकर सेवक बनवे। समझ न भाई, जेकर काम करवे वह हृदय से लगाई, देखे पक्का पक्का समझ ले ले जाए की जरूरत नहीं बा। लता खुलासा हो, खुलासा हो है ना। अगर काम करके अले खूब बढ़िया सा जो ना गोल गुप्पा चार टूट लेके अले तो मेरा भी जरूर हृदय से लगाई। तो ठीक, तो वही कह रहे हैं कि वे यानी श्री राम जी चरित्र सुनने पर कृपा निधि माने श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा और वो हर्षित होकर के हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा करके कहते हैं कि कहु तात के ही भांति जान की रहती करती रक्षा स्व प्राण की।
आप लोग इसमें अपन कान मन बुद्धि और चित्त कुल लगा करके समझो कि जानकी जी अपने प्राण के रक्षा कौने प्रकार से करत है। जानकी जी यानी कि जनक जी की पुत्री सीता जी, सभी भुवनों की मलकिन माता भुवनेश्वरी जी किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं, यह पूछ रहे हैं श्री राम जी हनुमान जी से। तो हनुमान जी क्या बता रहे हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा नजर खाली चेहरा के देखबे समझ में आ जाये, किताबी में देखबे न समझ में आई, कहे कि ये बड़ा बारीक बा। हनुमान जी बतावत हैं कि सीता जी लंका में कैसे अपने प्राण का रक्षा करत है। तो नाम पहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपार, अलोचन निज पद जंत्रित जाही प्राण के ही बार। हनुमान जी बता रहे हैं कि आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला, प्राण निकलेगा एक दरवाजे से तो दरवाजे पर पहरेदार है, और पहरेदार कौन है, आपका नाम, और दरवाजे पर है तो उसमें किवाड़ भी होगा, तो आपका ध्यान ही किवाड़ है, आपका नाम है पहरेदार और आपका ध्यान ही है किवाड़, और जो नेत्रों में चरण लगाई है माने नेत्रों को आपको चरणों में लगा रखी है वही है ताला, माने केवाड़ी भी बंद बात ताला भी लगा बात उठे पहरेदार भी, समझल जा बहुत बारीक बा। अब तो समझ में, कहते हैं कि जो अपने नेत्रों को आपके चरणों में लगा बैठी हैं, वही है ताला। तो हे नाथ प्राण किस तरह से निकलेगा, ऐसे ही सीता जी अपने प्राण की रक्षा कर रहा भाई, आज समझ में। राम जी का नाम ही है पहरेदार और उनका ध्यान ही है किवाड़, और जो चरणों में ध्यान लगा है वही है ताला। इस प्रकार से अगर कोई पत्नी अपने पति से दूर हो और अपने पति के नाम का ही स्मरण करे तो वही हमारे राम है, ठीक, तो वही जो है पहरादार हो जाएगा, पति के अलावा उनका भाव कहीं, क्योंकि अगर कहीं भाव जाता है डॉक्टर साहब ना तो ये देखे तरंगे जाकर के प्रभावित करती है, अगर भाव कहीं नहीं जा रहा है और आप अपने भक्ति में लगे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। और हनुमान जी बता रहे हैं कि चलत मोही चूड़ा मनी दीनी और रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। बता रहे हैं कि प्रभु हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, चूड़ा मणि निशानी बदे दे अपन दे देखा चलत के समय यह चूड़ा मणि, तो प्रभु वो चूड़ा मणि को लेकर के हृदय से लगा लेते। जो भी अपने पत्नी को प्रेम करते हैं तो पत्नी का एक वस्त्र भी मिल जाए कहीं एक कोई भी अंश, तो उसे उतना ही प्रेम करिए जितना पत्नी को प्रेम करते हैं, तब तो प्रेम प्रेम है, नहीं तो अगर शरीर को लगा करके प्रेम रखे हैं तो वो प्रेम। तो नाथ है जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। जब हृदय से चूड़ा मणि को लगा लेते हैं तब हनुमान जी दोनों आंखों में आंसू भर करके सीता जी की कुछ वाणी प्रभु को सुना रहे हैं, कैसे अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरना अदीन बंधु प्रण तारती हरना।
मन क्रम बचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। कहते हैं हनुमान जी कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण को पकड़ना और कहना कि हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, और मैं मन वाणी और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। अनुराग माने होता है परम पवित्र प्रेम। मन वाणी और कर्म से प्रेम होना चाहिए, वासना से और लालच से नहीं। तो कह रहे हैं कि ये बात बताना कि प्रभु फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। और कही है महाराज, हनुमान जी कह रहे हैं कि और कही है कि माता जी कह रही थी कि अवगुण एक मोर मैं माना, अब बिछुरत प्राण कीन पयाना। कहती है महाराज से कहना कि मेरा एक अवगुण है, मैं मानती हूँ कि जब आपसे मैं बिछुड़ रही थी तो मेरे प्राण नहीं निकले, यही मेरा अवगुण है। अनाथ सो नयन नहीं को अपराधा, निसरत प्राण कर रही हटी बाधा। फिर कहती इसमें मेरा दोष नहीं है, ये हमारे नेत्रों का दोष है, क्योंकि ये प्राण को निकलने ही नहीं दे रहे हैं, प्राण को निकलने नहीं दे रहे हैं। क्यों कैसे, इसको थोड़ा समझिएगा डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही रहस्य की बात है, जब समझा देंगे समझ में आ जाएगा। प्राण को नेत्र कैसे नहीं निकलने दे रहे हैं, सुने। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन त्रवही जलु निज हित लागी, जरैन पाव देह बिरहागी। कहते हैं कि आपका विरह, डॉक्टर साहब करें कि आपका विरह अग्नि है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो विरह है वह अग्नि है, शरीर रुई है। शरीर क्या है, तब तो खड़ा से जल जाना चाहिए, आगे के ऊपर रुई रखवा तो कितना जल्दी जल जाए चाहिए। और श्वास हवा है, आगे भी बा हवा भी चलाता, और शरीर का बा रुई। तो यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र जो आपको देखना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, आंसू बरसा रहे हैं, भिगा रहे हैं। अगर विरह में आंसू ना निकले तो मौत निश्चित है, ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देखो ये रोवत नहीं बहन, देखो किसी ने रोवा कैसे हूँ नहीं। कभी कभी लोग ऐसे में जब पत्थर जैसे हो जाते हैं ना, तो कहते इन्हें कुछ करके रोआवो नहीं तो मोर जी है। हाँ, वो बिरह की अग्नि बड़ी तगड़ी होती है ना। तो वही बता रहे हैं कि माता जी बताई है कि आपके नेत्र माने कि परंतु ये जो हमारे नेत्र हैं वो आपको देखने के लिए आंसू बहा दे रहे हैं, जिससे विरह के आग में भी देह जल नहीं पाती। वास्तव में विरह हो तो उस स्थिति का हो, लेकिन ये वही कर सकता है जिसके पास अलौकिक प्रेम हो, और खाली जो है अपने लालच वाला प्रेम हो ना, तो कितनो कहिए कि तू नो आईबे तो मर जा, लेकिन कोई मरत उरत नहीं, देखिए खूब। समझ में आ रहा है ना डॉक्टर साहब, समझ में आई बात। बीरा इतनी बड़ी अग्नि होती है,
अगर सच्चा प्रेम हो तो लोग मर जाए, वही दशरथ जी सच्चे प्रेम के प्रमाण है तो ठीक। और कहते हैं कि सीता कह अति विपति विशाला, अभी नहीं कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी कह रहे हैं करण जी कि सीता जी की विपत्ति विशाल है, हे दीन दयाल, इसे न कहने में ही अच्छा है, क्योंकि उनकी विपत्ति विशाल है। देखे है ना, रावण इतना त्रास दे रहा है, राक्षसी इतना लोग त्रास दे रही हैं। तो निमिख निमिख करुणा निधि, जाहि कलप सम बीत, बेगी चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। हनुमान जी कहते कि हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल पर दुष्टों को जीत करके माता जी को ले। तो सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरियाए जल राजीव नैना। तो सीता जी के महान दुख को सुन करके श्री राम जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आते हैं। तब ध्यान दीजिए, आप लोग भी कहते हैं सेवक बनने की बात न, तो भगवान जी यह बात कह चुके हैं ना कि बचन काय मन मम गति जाही, असपन हूँ बूझिय विपत्ति की ताही। जो मन वाणी और कर्म से ननकू भाई, ध्यान दे ठीक से बैठो, जो मन वाणी कर्म से मेरे मेरे शरणागत है, ईश्वर के शरणागत जो कोई भी है, मन वाणी और कर्म से, कहते हैं कि सपने में भी विपत्ति उसको छू नहीं सकती। आज अगर कोई कहा था कि गुरु हमारे ऊपर बड़ा विपत्ति हो, तो समझ ले कि वो सेवक, समझ में आया। विपत्ति बात एक है, मतलब वो मन वाणी कर्म से प्रभु का सेवक। तो हनुमान जी भी वह कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, अजब तब सुमिरन भजन न होई। तो हनुमान जी भी कह रहे हैं कि प्रभु विपत्ति तो वही रहती है, जब जब तब सुमिरन भजन नहीं होता तभी विपत्ति आती। इसलिए बार बार आप लोगों से भाई हाथ जोड़कर एक ही विनती कर रहा हूँ कि मन बाड़ी कर्म से ये शरीर को सेवक और अपने अपने इष्ट देव को स्वामी, चाहे आप उनको श्री राम जी के रूप में माने, चाहे कृष्ण जी के रूप में माने, चाहे अल्लाह के रूप में माने, चाहे जो है कि बुद्धा के रूप में माने, चाहे यीशु जी के रूप में माने, चाहे गुरु गोविंद सिंह के रूप में जाने, वास्तव में वो परम तत्व परमात्मा एक ही है, वही आपके स्वामी है और आप सेवक। जो इस नीति का पालन करेगा उसको विपत्ति कभी सपने में भी छुएगी नहीं। यह भगवान शंकर जी की बाड़ी है जो कि अकाट है, इस बाड़ी को धरती पर या किसी भी लोक में कोई काटने वाला नहीं। और इतना भी जान ले कि गुरु के सिंहासन पर बैठ करके जो भी परमात्मा के तत्व में भेद पैदा करता है वह मात्र कपटी दंभी और पाखंडी है, वो कोई गुरु उरु नहीं, क्योंकि परम तत्व परमात्मा एक ही है, दो नहीं। समझता है भाई, एकदम सरल बात वाह जी। तो कहते हैं कि केतिक बात प्रभु जातु धान की, अरी पुही जीतिया निभी जान की। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत करके जानकी जी को ले आवेंगे। हाँ, तब देखिए बड़ा अच्छा प्रसंग है कि सुनु कपि तो ही
समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी अप्रति उपकार करो का तोरा सनमुख हो ही न सकत मन मोरा। सब देखिए भगवान अपने सेवकों को बहुत ही प्रेम करते हैं। आप लोग अभी पूरा का पूरा नहीं कर रहे हैं लेकिन जिस दिन करेंगे तो आप देखेंगे भगवान कर रहे हैं। यद्यपि कि सब प्रभुता उन्हीं की है, जीव का इसमें कोई प्रभुता, फिर भी कहते हैं श्री राम जी कि हे हनुमान जी सुनो तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य और ऋषि मुनि कोई नहीं है। जितने भी शरीरधारी हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे समान उपकारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार क्या करूं, मेरा मन तो तुम्हारे सामने नहीं होता। समझ रहे हैं, होना ऐसे ही चाहिए, होना ऐसे ही चाहिए। देखेंगे तो इसमें कितना प्रेम उमड़ेगा। यहाँ तो ठीक, और कहते हैं देखिए यहीं पर जनमानव संख्या आता है कि सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही देखे हूँ करी विचार मन माही। कहते हैं कि हे पुत्र हनुमान सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुम्हारे उपकार से उरीर नहीं हो सकता। तो इसमें अब कुछ जनमानस शंका होता है कि जब वो भगवान है तो ऐसे तो अपने मुंह से कहे हैं क्यों उरीर नहीं हो सकते, कैसे कह दिए। तो ध्यान दें, यही का उत्तर दो तीन लाइन के बाद आई तो पुनि पुनि कपि ही चितव सुर त्राता लोचन नीरे पुलक अति गाता। तो देवताओं के रक्षक प्रभु श्री राम जी को हनुमान जी देख रहे हैं कि प्रभु हमसे एक क्या कर रहे हैं, और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। तो सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख कात हरसी हनुमन अचरण परे प्रेमा कुल त्राही त्राही भगवन। प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से व्याकुल होकर मेरी रक्षा करिए मेरी रक्षा करिए ऐसा कहते हुए जाके प्रभु के चरणों पर गिर जाते, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ शक्ति है सिर्फ प्रभु की शक्ति है, मेरी अपनी कोई शक्ति। अधिक से अधिक मनुष्य के पास सबसे अच्छा जो हो सकता है वो परम पवित्र सेवा का भाव। अगर कोई सोचे कि यह मेरा शरीर है मेरी शक्ति है मेरी बुद्धि है, तब समझ लीजिए कि वो कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा कितना अच्छा प्रेम का यहाँ पर वर्णन है कि बार बार प्रभु चाही उठावा अप्रेम मगन ते ही उठबन भावा। प्रभु बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं लेकिन वो चरण छोड़ने को तैयार नहीं है, ऐसा प्रेम हो। यहाँ तो छवनी पकड़ के गई है गुरु पाला जी, देखे हो गए आप लोग ऊपर से न। हाँ। तो प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा असुमिरी सो दशा मगन गौरी सा। ननकुबा शंकर जी प्रभु का यह स्थिति देख करके प्रभु अपने हाथों से हनुमान जी के सिर को सुला रहे हैं। हाँ कोनो बात नहीं हनुमान जी उठ जाए आप ठीक है। तो कह रहे हैं कि उनके इस स्थिति का स्मरण करके शंकर जी प्रेम में मग्न हो गए कि बारे प्रभु
अपने सेवकों को आप कितना प्रेम करते हैं। तो सावधान मने करि पुनि शंकर लागे कहने कथायति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे और हनुमान जी को उठा करके प्रभु श्री राम जी अपने हृदय से लगा करके हाथ पकड़ करके अपने करीब में बैठाते हैं। तो प्रभु का सेवक बनवत इस सौभाग्य मिली भाई, नहीं तो मेरारू कहीं कहाँ जाता है बैठा है ना, मेरारू बैठा ही तो झिझिक के, लेकिन प्रभु प्रेम से बैठा हुआ है। तो कहू कपि रावण पालित लंका कही विधि दहे उ दुर्गे अति बंका। फिर प्रभु पूछ रहे हैं क्या ये हनुमान जी बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े किले को तुमने किस प्रकार से जलाया। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न जब देख लिए तो अभिमान रहित वचन बोले, माने जिस बाड़ी में अभिमान, आप लोग अभिमान का नाश त्याग कर दीजिए, वो बता रहा हूँ बहुत ही कल्याणकारी। हनुमान जी क्या कहते हैं कि शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई। देख ला ये डारी से वो डारी, एक पर से बंदर वो पेड़ पर आराम से चढ़ जाइए, तो उसमें न चढ़ पी गए। तो वही कह रहे हैं कि बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है महाराज कि एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। तो नागी सिंधु हाटक पुर जारा अनिश्चर गन बधी विपिन उजारा। तो ठीक है, उछलना कूदना हम लोगों का स्वभाव है, तो उछल करके समुद्र के उस पार चले गए। अपन कुल बात बतावत है और सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कहते हैं नाथ यह सब आप ही का प्रताप है, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। यही भाव होना चाहिए कि जो कुछ कर रहे हैं सब ईश्वर के द्वारा हो रहा है, यह शरीर तो निमित्त मात्र खाली है। तो कहते हैं कि ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं अजा पर तुम्हें अनुकूल अतव प्रभाव बड़वा नलही जारी सकई खलुतूल। हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम जी से कि हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आपके प्रभाव से रुई रुई और बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। बड़वा नल माने अग्नि का स्रोत, समुद्र में होता है बड़वा नल। तो कहते हैं कि अगर चाहे तो आपके कृपा से रुई बड़वा नल को भस्म कर सकती। तो आप देखिए वही जो बात आई ना, जो भगवान कहे कि सुत तो ही उड़ीड़ में नहीं, कहते ना कि मैं तुमसे उड़ीड़ नहीं हो सकता हूँ। तो हनुमान जी देखिए यही बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं महाराज ऐसी क्या बात है। कहते हैं कि नाथ भगति अति सुखदायनी
देहु कृपा करी अन पायनी। यह अन पायनी भक्ति है ना, मिलता जल्दी, ये मात्र संतों के कृपा से ही प्राप्त। लेकिन जब संत संत रहे तब ने जे भक्ति में मग्न रही वह दे ने खिलासी लोग दी है, तो वही करे कि हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। तो सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी एवं अस्तु तब कहे भवानी। तब हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर शंकर जी बता रहे हैं, शंकर जी बता रहे हैं माता भवानी को और रवि शंकर के शरीर से एक जीव बता रहा है ननकू भाई को कि तब भगवान श्री राम जी कहते हैं एव मस्तु की ऐसा ही हो। तो उमा राम सुभाऊ जे ही जाना ताही भजनु तजी भावन आना। शंकर जी कह रहे हैं कि ये पार्वती जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। जिसने भगवान का भाव जान लिया तो उसको भजन के अलावा क्या सुहाएगा बताइए, अच्छा लगेगा ऐसा? ठीक। यह संवाद ध्यान दीजिएगा कि यह संवाद जासूर आवा और रघुपति चरण भगति सोई पावा। शंकर जी की बाणी है कि यह संवाद जिसके हृदय में बैठ जाए वह भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त कर लेगा। आप लोग अगर समझते हैं, बार बार हूं हूं कहते हैं, जो भी इस वाणी को समझ लेगा उसको भगवान की भक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी, यह मैं प्रणरोप करके कहता हूं कि यह संवाद जासूर आवा और रघुपति चरण भगति सोई पावा। शंकर जी बोलत है ने ते संवाद के समझे के चाहिए, तो सुनी प्रभु बचन कहि कपि बृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बोलावा कहा चले करे करहु बनावा। तब जो है प्रभु के बाणी को सुनकर बानर राज सुग्रीव जी कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री राम जी, अच्छा बानरगढ़, बानरगढ़ जो वहां पर रहे, तब जो है कि कहने लगे कि कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री राम जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाए और कहे कि अब चलने की तैयारी करो। तो अब विलंब के ही कारण की जय तुरत कपिने कहूं आय सुदी जय। कौतुक देखि सुमन बहु बरसी अनबते भवन चले सुर हरसी। कहते अब विलंब किस कारण से किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दीजिए, भगवान की यह लीला यानी रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर देवता लोग आकाश में हर्षित हो करके अपने अपने लोग को चले जाते हैं। तो कपिपति बेगी बोलाए आए जूथप जूत अनाना बरन अतुल बल बानर भालू बरू। तब बानर राज सुग्रीव जी ने शीघ्र ही बानरों को बुलवाए और सेनापतियों के समूह सहित सभी लोग आ गए। बानर भाड़ुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। तो ठीक है, इसके आगे की तैयारी और कार्यक्रम सुंदरकांड का कल होगा।
और इसी बाड़ी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी परमात्मा के भक्तों की जय, हर हर महादेव। हरी ओम।